सुरेश, तो फौज में गया? तुझे कोई और काम नहीं मिला क्या? Excuse me. काम ही मिला होता तो ये फौजी थोड़ी बनता। इस देश में जिन लोगों को कोई काम धंधा नहीं ना मिलता, वो लोग फौज में जाके भर्ती हो जाते हैं। क्या जरूरत थी इसे फौजी बनने की? पढ़ाई लिखाई तो इनसे होती है नहीं, फिर इसीलिए इन्हें जॉब नहीं मिलती। और इसके बाद ये गवर्नमेंट जॉब के नाम पे ये सोचते हैं, चलो फौज में भर्ती हो जाते हैं। तो पार्टी में ये कार्टून क्यों बन के आया? नॉर्मल कपड़े डालता तो भी तुझे एंट्री दे देते। तमीज से बात करो, मुझे अभी ड्यूटी के लिए निकलना है, इसलिए मैं यूनिफॉर्म में आया हूँ। एक्सक्यूज मी। ओहो, तो चौकीदार साहब को ड्यूटी पे जाना है। वैसे जनाब, कौन सी शिफ्ट करते हैं आप, डे या नाइट? मैं चौकीदार नहीं, फौजी हूँ। हाँ हाँ, चौकीदार का प्रो वर्जन ही तो है फौजी। वैसे गवर्नमेंट तुझे कितनी सैलरी देती है? 10, 20, 30 हजार? इतनी सैलरी मिलती होगी तुझे? हमारे बैच के जितने भी लोग हैं ना, सब तुझसे ज्यादा ही सैलरी कमा रहे हैं, और तू है कि 20-30 हजार के लिए धक्के खाता फिर रहा है। सपने तो बहुत बड़े थे तेरे, कहता था मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, और बना क्या, देश का चौकीदार। वैसे ये रेस्टोरेंट देख रहा है, ये रेस्टोरेंट भी ना मेरे पापा का है, और यहाँ के वेटर्स भी ना तुझसे ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे। रुक, डेमो दिखाती हूँ। वेटर जी। मैम इधर आना। क्या नाम है तुम्हारा? राम प्रकाश। तो राम प्रकाश, कितनी सैलरी है तुम्हारी? मैम सैलरी, डोंट हेजिटेट, प्लीज टेल। 35,000 मैम। देख ले, यहाँ के वेटर्स की भी सैलरी तुझसे ज्यादा है, तभी बोल रही। फौजी की नौकरी छोड़ दे और वेटर का ही काम शुरू कर ले, अब जा सकते हैं। वैसे एक आइडिया दो, मेरे पापा के इस रेस्टोरेंट में ना चौकीदार की पोस्ट खाली है, फौजी भी तो चौकीदार ही होते, कहे तो तेरी रिकमेंडेशन दे दो इस पोस्ट के लिए, सैलरी भी तुझे ज्यादा मिल जाएगी। देखो, मैं जो काम करता हूँ उससे मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तुम दोनों की सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। अरे मान जा मेरी बात, कुछ नहीं रखा इस फौजी की नौकरी में, यहाँ जितने भी लोग तुझे नजर आ रहे हैं ना, सब वेल सेटल्ड है, किसी का खुद का बिजनेस है, किसी के होटल्स है, तो कोई फॉरेन में रहता है, सब सेट है अपनी अपनी लाइफ में, और तू है कि कुछ हजारों रुपए की जॉब के नाम पे गुलामी करता फिर रहा है। ना तो तू अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहा होगा, और ना ही तेरी कोई पर्सनल लाइफ होगी। मान जा मेरी बात और छोड़ दे ये फौजी की नौकरी, लिव योर लाइफ। ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? पता नहीं, एक मिनट रुक, मैं देखती हूँ। रामपाल, हर एक बंदे की तलाशी होनी चाहिए, जितने भी खड़े सबकी तलाशी ले। ये आप क्या कर रहे हैं? पार्टी बंद करो मैडम। अरे आप ऐसे कैसे पार्टी बंद करवा सकते हैं? मैडम हमें ऊपर से कंप्लेंट आई है, इस पार्टी में ड्रग्स चल रहे हैं, तो आपको ये पार्टी अभी के अभी बंद करनी पड़ेगी। तुम्हें पता भी है मेरे पापा कौन है? राजीव चड्डा। ये रेस्टोरेंट ना उन्हीं का है। आपके पापा जो कोई भी हो, हमें ऊपर से उठ रहे हैं। तुम ऐसे नहीं मानो, रुको अभी तुम्हारी पापा से बात करवाती हूँ। मैडम अगर आप पुलिस के काम में दिक्कत करेंगी तो मजबूरन मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा, हमें हमारा काम करने दीजिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझे ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, कोई प्रॉब्लम है? जय हिंद सर। जय हिंद सर। आप यहाँ कैसे? वो दरअसल मैं आज अपने कॉलेज की रीयूनियन पार्टी में आया हुआ था, और ये मेरी क्लासमेट है। क्यों, क्या बात हुई? सर हमें कंप्लेंट मिली थी कि इस पार्टी में ड्रग्स चल रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ देख के लग रहा है कि शायद हमें किसी ने गलत खबर दी, क्योंकि जहाँ एक देश का फौजी होता है वहाँ कोई गलत काम कैसे हो सकता है। सॉरी मैडम अगर हमारी वजह से आपको कोई परेशानी हुई हो तो। जय हिंद सर। ये इज्जत होती है एक देश के चौकीदार की, भले ही यहाँ सब ने बेशुमार पैसा कमाया हो, लेकिन मैंने फौजी बनकर इज्जत कमाई है जो आज तुम्हारे इन पैसों पर भारी पड़ गई। ये नौकरी मैं अपनी खुशी से करता हूँ क्योंकि मुझे अपने देश से प्यार है। एक फौजी अगर पैसों के लिए फौजी बनता तो 20-30 हजार के लिए अपने सीने पर गोली नहीं खाता। मैं देता हूं तुम्हें 1 लाख, क्या तुम पैसों के लिए अपने सीने पर गोली खा लोगी? नहीं ना, लेकिन हम नहीं डरते। हम ये नहीं सोचते कि हमारे बाद हमारे परिवार का क्या होगा, बस यही सोच रहती है कि अगर हम शहीद हो भी गए तो हमारे माँ बाप की जो इज्जत होगी समाज में कि वो देखो एक फौजी का बाप जा रहा है, बस इसी में हम खुश हैं। लेकिन तुम जैसी सोच वाले लोग इस देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं। मेरा मानना है कि इंडिया में आर्मी ट्रेनिंग कंपलसरी होना चाहिए, कम से कम अपनी जिंदगी का 1 साल तो देश के लिए देना ही चाहिए,
मुफ्त में मिली हुई आज़ादी की वजह से देश को बहुत सस्ता समझ रहे हैं आजकल के लोग। और जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, अगर हो सके तो आज के बाद किसी फौजी की बेइज्जती मत करना। जय हिंद।